राष्ट्र सेविका समिति अलवर विभाग एवं भारत विकास परिषद अलवर के संयुक्त तत्वावधान में पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष पर विचार गोष्ठी का आयोजन सुंदरवन रिसोर्ट अलवर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा देवड़ा और मुख्य वक्ता माननीय वी शांता कुमारी, प्रमुख संचालिका राष्ट्रीय सेविका समिति रहे एवं श्रीमती पुष्पा यादव अलवर विभाग कार्यवाहिका के द्वारा बताया गया कि अहिल्याबाई बचपन से ही एक योग्य संस्कारों वाली पुत्री थी, जिसने भक्ति मार्ग के कई आयाम स्थापित किए। जब बड़ी हुई तो मराठा साम्राज्य की एक महान रानी बनी थी, जिन्होंने अपने पति खंडेराव होलकर के निधन के बाद मालवा राज्य की बागडोर संभाली थी। उनका जन्म 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर में 3 गुण थे, मातृत्व, कर्तव्य और नेतृत्व। यह 3 गुण सभी में होने चाहिए और इन गुण का पालन करने के लिए सभी को संकल्प करना चाहिए। उनके समय में ब्रिटिश मुगल शासन काल में विधवा महिलाओं के प्रति भी कई तरीके की प्रथाएं प्रचलित थी। उन्होंने विरोध पर यह प्रथाएं खत्म की। अहिल्याबाई होलकर के पास ये 3 गुण का संकल्प से पालन करने पर इतनी महान नारी के पद पर पहुंचा दिया। उन्होंने कानून के अंदर कई परिवर्तन करवाए। आज के परिवेश में भी अपने समाज में महिलाओं के प्रति कानून का सही तरीके से न्याय नहीं मिलना, सालों का समय निकल जाता है। भारत एक है, हम भारत माता की संतान है। भारत एक है, हम भारत माता की संतान है एक अहिल्याबाई होलकर पर एक लघु नाटक का भी मंचन किया गया और इसके अलावा इसमें श्रीमती संगीता जांगिड प्रांत कार्यवाहिका भी उपस्थित रही।